अलैकुम, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनम्स किचन। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ क्रंची विंग्स। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, मेरी वीडियोस को लाइक करें ताकि आपके पास मेरी मज़ेदार रेसिपीज़ आती रहें। चिकन क्रंची विंग्स बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए मैं आपको साथ साथ वो बताती रहूँगी। मैंने चिकन विंग्स लिए हैं 1.5 kg, मतलब 1.5 किलो मैंने विंग्स लिए हैं। अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी। इसमें 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर जाएगा, 1/2 टीस्पून इसमें लाल मिर्च का पाउडर जाएगा, 1/2 टीस्पून ही इसमें रेड चिली फ्लेक्स मतलब दरभरी मिर्च जाएगी, 1/2 टीस्पून इसमें नमक जाएगा। नमक मैंने बाद में दोबारा ऐड किया था, टोटल 1 टीस्पून नमक जाएगा, नमक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। 1/2 टीस्पून इसमें लहसुन पाउडर जाएगा और 1/2 टीस्पून इसमें अदरक पाउडर जाएगा, 1/2 टीस्पून इसमें काली मिर्च का जाएगा, 1/2 टीस्पून इसमें सफ़ेद मिर्च जाएगी। स्पाइसेस आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन इतने क्वांटिटी के लिए ये सारे स्पाइसेस ठीक है। 1.5 टेबलस्पून इसमें सोया सॉस जाएगा, टीस्पून में ये 3 टीस्पून बनेगा। 1 टेबलस्पून इसमें चिली सॉस जाएगी, मतलब 2 टीस्पून, 2 टीस्पून इज़ इक्वल टू 1 टेबलस्पून। लास्ट में इसमें 1 टीस्पून चाट मसाला जाएगा। चाट मसाला ऐड करने से फ्लेवर बहुत मज़े का हो जाता है। अब इसको आप अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आप इसको 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए छोड़ दें। अच्छा जी, मेरे विंग्स को मैरिनेट हुए 3 घंटे हो चुके हैं। अब मैं इसकी ब्रेडिंग करूँगी। ब्रेडिंग मतलब जो हम इसको कोटिंग करेंगे। कोटिंग के लिए मैंने लिया है 1/2 kg to 1 kg फ्लोर। फ्लोर आपकी अपनी चॉइस पे होता है, लेकिन इसके लिए क्योंकि मेरी क्वांटिटी विंग्स की ज़्यादा है तो मैं ऑलमोस्ट 1 kg इसमें फ्लोर लूँगी। फ्लोर में मैंने 1/2 टीस्पून काली मिर्च और 1/2 टीस्पून मैंने नमक का ऐड किया है। आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और ठंडा पानी लिया है मैंने डिप करने के लिए। विंग्स को सबसे पहले हम लोग मैदे में कोट करेंगे। इसकी कोटिंग हल्के हाथ से होगी, लेकिन प्रॉपर इसकी कोटिंग होगी। आप इसको अच्छे से, जैसे मैं वीडियो में इसको घुमा रही हूँ, आपने भी इसको वैसे ही हल्के हाथ से इसको प्रेस करते हुए घुमाना है और जो एक्सेस मैदा होगा उसको आप उतार लीजिएगा। अब हम इसका सेकेंड स्टेप करेंगे। सेकेंड स्टेप पर इसका है, इसको ठंडे पानी में एक दफ़ा डिप करेंगे। डिप करने से आप लोग ये ना समझिएगा कि इसकी कोटिंग उतर जाएगी। इसकी कोटिंग बिल्कुल भी नहीं उतरती, लेकिन इसके लिए ठंडा पानी लेंगे, इससे आपके क्रम्स अच्छे बनते हैं। मैंने एक दफ़ा इसको पानी में से डिप करके निकाल लिया। अब मैं इसको वापस ही हल्के हाथ से मैदे की कोटिंग करूँगी। आप चाहें तो इसकी डबल कोटिंग भी कर सकते हैं, मतलब आप इस स्टेज पर दोबारा एक दफ़ा इसको पानी में डिप करके इसको मैदे में दोबारा कोट कर सकते हैं। जब आपकी कोटिंग अच्छी तरह हो जाए तब आपने विंग को इसी तरह हिलाना है ताकि आपके क्रम्स बन जाएं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी जो मेरे क्रम्स बने हैं। ऑयल आपका मीडियम फ्लेम पे होना चाहिए। अब मैं अपने विंग्स को 7 से 8 मिनट के लिए फ्राई करूँगी। आप 2 to 3 मिनट बाद इसकी साइड चेंज कर दीजिएगा। आपके मज़ेदार विंग्स तैयार हैं। अगर आप इस रेसिपी से रिलेटेड मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं आपको हर चीज़ का गाइड कर दूंगी। और अगर इसके अलावा आप मुझसे कोई और रेसिपी सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में वो भी ज़रूर बताइएगा। मैं आपके लिए मज़ेदार रेसिपीज़ लेके आती रहूँगी।